देखते हैं नंबर वन पे क्या है। नंबर वन पे वर्ड है हमारा थॉट, इंग्लिश मीन है एन आइडिया और उर्दू मीन है सोचना। थॉट एन आइडिया सोचना। ओके स्टूडेंट, नंबर वन राइट कर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अब आप आते हैं नंबर टू की तरफ। नंबर टू है वेस्ट, वेंटा किसी चीज की चलने की आवाज। वेस्ट वेंटा किसी चीज की चलने की आवाज। तो इस लेसन में हमें आपने देखा था रॉक जो है रस्सी की आवाज जो है ना एकदम वो तेजी से जो नीचे जाती है वेल के अंदर, तो उसकी जो आवाज है ना उसको इन्होंने विज का नाम दिया। विज तो किसी भी चीज की आवाज जो होती झनझनाहट भिनभिनाहट उसको हम इधर विज का नाम दिया। तो फू फू भी आता है इसका मीन, लेकिन हम इसको यहाँ राइट करेंगे आसान लफ्जों में किसी चीज की चलने की आवाज। ओके स्टूडेंट, नंबर टू भी कंप्लीट हो गया होगा यकीन है आपका। तो अब आते हैं हम नंबर थ्री की तरफ। नंबर थ्री पर है कैच, कैच इंग्लिश मीन है होल्ड और उर्दू मीन है पकड़ना। कैच होल्ड पकड़ना। ओके स्टूडेंट, नंबर थ्री भी कंप्लीट हो गया होगा यकीन, वेरी गुड। तो अब हम आते हैं नंबर फोर की तरफ। नंबर फोर है एम्प्टी, कंटेनिंग नथिंग, उर्दू मीन है खाली करना। एम्प्टी कंटेनिंग नथिंग खाली करना। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारे फोर वर्ड्स मीनिंग जो आपने सी डब्ल्यू कॉपी पर बहुत नीट एंड क्लीन राइट करना है, लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम राइट एंड डायरी राइट करते हैं, तो आप जल्दी से डायरी रेडी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारी आज की डायरी, इंग्लिश की, इंग्लिश की डायरी है क्लास टू। ओके क्लास, आज की डायरी है हमारी क्लास टू इंग्लिश की डायरी। मेक टाइटल पेज रीडिंग राइटिंग एंड लर्न एंड राइट सी डॉट डब्ल्यू, यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है टाइटल पेज बनाना है और वन पेज राइटिंग करनी है, राइटिंग रीड करनी है बहुत अच्छी सी, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पर वर्ड मीनिंग का कॉलम बना के और आपने बहुत ही नीट राइट करने हैं वर्ड्स मीनिंग। ओके स्टूडेंट, तो ये तो आज की हमारी डायरी थी, और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना और अपने बड़ों का भी कहना मानना है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।